एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। आईबी स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। आईबी स्मृति इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें आईबी स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेश मिसर टोला, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और बता दें दरभंगा में लगातार अपराध एवं विधि व्यवस्था को लेकर के जब भी अधिकारी कार्य करते हैं तो जनता के दिलों में समाते नजर आते हैं। हम बता दें 2011 से 13 तक यहाँ एसएसपी रही गरिमा मलिक एक बार फिर दरभंगा में जब से आई हैं, आम जनता की आंखों में आशा की किरण कई मामलों को लेकर के एक बार दिखती है। हमारे साथ सबसे पहले एसएसपी गरिमा मलिक हैं। हम बता दें, आते ही जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला है, हमें लगता है कि दरभंगा की जनता थोड़ी सी शांति। आपने पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट जो था वो एक तो दुर्गा पूजा का पर्व बहुत पास में था, तो हम लोगों के लिए एक चुनौती थी कि कम समय में सांप्रदायिक सौहार्द जो है शहर का, उसको बनाए रखते हुए, उसको कायम रखते हुए पर्व को जो है अच्छे से हम लोग संपन्न कराएं यहाँ पर जनता के सहयोग से। तो वो अच्छे से यहाँ पर सब लोगों के सहयोग से, कोऑपरेशन से, पूरी एक्टिविटी से वो संभव हो पाया है। दूसरा जो है वो आते ही हम लोगों के द्वारा पुलिस महकमे में संवाद प्रेषण जो है वो, उसमें मेरी कोशिश रही है कि उसको हम लोग बेहतर जो है तरीके से कर पाएं, जिससे कि पब्लिक जो है, जनता के साथ जो समस्याएं आ रही हैं वो हम लोगों तक समय से पहुंच पाएं, हम लोग उसको महकमे के अंदर उसको जो है आपस में एक दूसरे से संवाद कम्युनिकेशन जो है वो समय ससमय कर पाए, और ये सब होने के बाद जो हम लोगों का रिस्पांस टाइम जो है इन सब समस्याएं जो है जनता की, उन पर कम से कम जो है वो हो। खासकर आम जनता का भी कहना है कि इस बार दशहरे के मौके पर हर जहां पर पूजा थी, पूजा स्थल पर महिला पुलिस और पुलिस बल के अलावा खुद इन्होंने कई बार जाकर के कई जगह डांट फटकार भी लगाई, कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए। लोगों में है कि पहले के गरिमा मलिक
और गया से आने के बाद गरिमा मलिक में काफी बदलाव, उनके तेवर कड़े हो गए हैं जो आम जनता के हित में है। सभी पदाधिकारी जो हैं वो, या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी मनुष्य जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उनको जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं, और डेफिनेटली कोई भी एक्सपीरियंस जो है एज यू ग्रो एक्सपीरियंस, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं सर्विस में तो ये माना जाता है कि आपका तजुर्बा बढ़ता है और आप नई चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ से जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ से सब जगह से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, इंक्लूडिंग जो मेरा पुराना पहला टेन्योर जो रहा दरभंगा ज़िला में, तो सभी ज़िलों ने जो है वो मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका दिया है, और वही जो सीखा हुआ कार्य है उसी से कोशिश है कि पूरा हम लोगों का महकमा जो है उससे मिल करके हम लोग और बेहतर कार्य जो है जनता के लिए कर सकते हैं। हम बता दें 2012 में जब दरभंगा के बच्चों में नशा के जो एक आदत हो रही थी उसके खिलाफ इन्होंने पदयात्रा करते हुए जागरूकता रैली निकाली थी 3 किलोमीटर तक। हालांकि उस समय अस्वस्थ भी थी और उन्होंने 3 किलोमीटर तक पैदल चढ़कर अभिभावकों में एक एहसास दिलाया कि आप अपने बच्चों पर निगरानी रखें, और उन्हें बाद में हम लोगों ने मेडिकल लिटरेचर में सर्टिफिकेट बांटकर उन्हें मनोबल बढ़ाया। क्या इस तरह के कार्य जो थे जो सराहे गए जनता ने फिर से एक बार इस तरह? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा ज़िला में दरभंगा में अभी दूसरी बार जब मैं आई हूँ तो उसके बाद मेरे जो इंटरेक्शंस भी रहे हैं अन्य सभी जगह पर, तो उसमें मैंने ये अपनी जो मंशा है उसको काफ़ी क्लियर किया है कि सभी मामले, तो जो पुलिस है या फॉर दैट मैटर प्रशासनिक कोई भी महकमा है, तो हम लोग जनता के साथ कार्य करते हैं। जब जनता के साथ कार्य करते हैं तो जनता का सहयोग जो है, जनमानस का, अच्छे लोग जो हैं, बुद्धिजीवी जो हैं, उनके सहयोग की आवश्यकता रहती है और बेहतरी से काम करने के लिए। और जहाँ तक नशे की बात आती है या शराब की अन्य मादक पदार्थों की बात आती है, हालांकि अब हमारे राज्य में बहुत ही कड़ा अधिनियम जो है वो लागू है मद्य निषेध का, और ये कानूनी जुर्म है इसका मद्य किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करना, और उसका पुलिस पर पूरा जो है जिम्मेदारी है उसका अनुपालन कराने का, तो वो एक लीगल एस्पेक्ट हुआ। इसके साथ में चूंकि मेरा मानना है कि मद्य सेवन जो है या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन जो है वो एक सोशल एक प्रॉब्लम भी होती है कानूनन एक अपराध के साथ साथ, तो इसलिए इसमें एक सोशल एस्पेक्ट जो है वो भी इन्वॉल्व है, और उसको हम लोग तभी एड्रेस कर पाएंगे जब हम लोग जनमानस में इसकी जो है इसके बारे में जागरूकता जो है वो फैलाएंगे, और इसमें जो जो यंग जो यूथ होते हैं, नवयुवक और नवयुवतियां हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। 2-3 मामले हैं जिस पर गंभीरता से जो मनोज कुमार SSP थे उन्होंने भी कार्य किया था, उनसे पहले मनु महाराज ने भी कार्य किया था। उनके कुछ कार्य जैसे हैं, जैसे आपने जिसमें किया था, एक जो बस रात्रि बस सेवा थी अभी दिल्ली मोड बस स्टैंड आ जाने के बाद वहाँ के यात्री रात में उतरने के बाद असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसे में क्या उन मरीजों के लिए सिक्योरिटी के लिए किस तरह की? जी बिल्कुल, हम लोग इन सभी बातों को जो है वो हम लोग विचार करेंगे, एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी चूँकि शहर में जो है सुरक्षा मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी पुलिस जो है पुलिस की है, दरभंगा ज़िला पुलिस की, तो उसके लिए जो जो कदम हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग लें, उसको लागू करें। मैम एक सबसे अहम मुद्दा है, जब पुलिस पब्लिक संवाद की बात होती है तो सभी जनता का कहना है कि कुछ ऐसे चुने हुए लोग ही उसमें शामिल होते हैं, आम जनता अभी भी जो थाने में आने से डर रही है, जब भी आती है कुछ ऐसे लोगों के सहारे थाना पहुंचती है, तो आपसे एक आशा जगी है लोगों को कि आपके आने के बाद जो आम जनता है जो कभी भी थाने से संपर्क में नहीं रहते हैं उन लोगों को जब जरूरत पड़े जाना पड़े तो निर्भीक होकर जा सके, इसके लिए क्या प्रयास है? इसके लिए तो पूरा का पूरा राज्य सरकार से लेकर पुलिस मुख्यालय सब लोग जो है इस विषय के बारे में जो है संवेदनशील हैं, और इसीलिए जो है हमें लगता है राज्य स्तर पे कई कदम ऐसे उठाए गए हैं, कई डायरेक्शंस ऐसे आए हैं जिससे कि
जनता जो है उसकी अप्रोच पुलिस तक जो है और ज़्यादा बढ़ सके और एक नॉर्मल जो है एक जनमानस में ये मैसेज जाए कि पुलिस जो है वो अनअप्रोचेबल नहीं है, जिसमें कई कार्य हुए हैं हमारे जो पुलिस मुख्यालय हमारे उसके निर्देश पर सभी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं उसमें शिकायत पेटी का इंस्टॉलेशन हुआ है, थानों को पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए वहाँ पर जो है कई थानों में है और कईयों में आगे जो है ये प्रस्ताव है कि रिसेप्शंस बने, रिसेप्शन कक्ष बने जहाँ पर लोग बैठ सकें आराम से वेट कर सकें। तो ये संवेदनशील मुद्दा है जिसको लेकर के सभी लोग जागरूक हैं। यहाँ पर जो है जब दरभंगा ज़िला की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ज़िला के लिए आते ही जो है सभी पदाधिकारियों को चाहे वो किसी भी स्तर के हों उन्हें निर्देशित किया गया है कि पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं या जो भी उनकी कॉल्स हैं उनको हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज हम जो जनता है उसी की सेवा में हम लोग कार्यरत हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसमें हम लोगों को जैसे आपने बताया पहले भी कई बार जाकर के विभिन्न पदाधिकारी विभिन्न रैंक के जो यहाँ पर आए हैं दरभंगा में उनके द्वारा पब्लिक से संवाद किया गया है और उसमें हम लोगों की भी दोबारा यही कोशिश रहेगी कि अलग अलग मंच जो हैं उनको यूज़ करके ये संदेश जो है वो जनता को दें कि दरभंगा में पुलिस जो है वो अनअप्रोचेबल नहीं है, हम लोग बिल्कुल अप्रोचेबल हैं, हम लोग संवेदनशील हैं, आप लोग कोई भी समस्या के साथ आते हैं तो हम लोग यहाँ पर आपकी समस्या सुनने के लिए रेडली अवेलेबल हैं। खासकर एक समस्या जो दरभंगा को हमेशा विधि व्यवस्था को संकट में डालता है वो है भूमाफियाओं का, और अभी भी लगातार कई जगहों पर भूमाफिया, जबकि हम लोगों ने एक मिशन चलाते थे भूमाफिया का नाम हर थाना में दर्ज हो और थाना प्रभारी कम से कम इस पर कड़ी हिदायत उन लोगों को दी, इस वजह से लगातार दरभंगा अस्थिर हुआ है। इस गंभीर मुद्दे पर जो भूमाफियाओं के द्वारा लगातार संकट हो रहा है विधि व्यवस्था को लेकर के करा कदम क्या? देखिए सभी मुद्दे जो है विधि व्यवस्था संधारण जो है वो पुलिस की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है और उसमें उसके लिए हम लोगों को जो भी स्टेप्स लेने होंगे हम लोगों को लेने हैं, जिसमें किसी भी तरह के जो है असामाजिक तत्व हों, गुंडा तत्व हों या अन्य कोई भी तत्व हों, उन पर कार्रवाई करना जो है उसमें सम्मिलित है। और एक अंतिम सवाल, महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते महिलाओं में छात्राओं में एक आशा की किरण जगी है, कुछ चक्के छेड़खानी करने वालों को कड़ाई से निपटा जाएगा ताकि शांतिपूर्ण माहौल में, इस तरह क्षेत्र में किस तरह की कदम? हाँ, इसमें देखिए पहले ही एक जो है शेरनी दस्ता वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है हम लोगों के ज़िला में, जो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे महिलाएं जो हैं या बच्चियां जो हैं उनको महिला पुलिस की गतिविधि जो है नज़र आती है अपने आसपास, तो एक जो पहले के बायस बना हुआ था कि केवल पुरुष जो है वो पुलिस में रहते हैं या वही नज़र आते हैं और एक हिचक या एक जो है महिलाओं को बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता था उनको अप्रोच करने में, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म होता है। नंबर दो, पूरा राज्य स्तर पे महिलाओं की कॉन्स्टेबलरी लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल पे, अन्य सभी लेवल्स पे भर्ती हो रही, जिससे बिहार पुलिस में संख्या जो है महिलाओं की सभी लेवल्स पे बढ़ रही है, तो वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव कदम है जहाँ तक महिलाओं और बच्चियों के लिए पुलिस की अप्रोचेबिलिटी की बात आती है। और उसके बाद हुआ कि यहाँ पर कैसा लग रहा होगा, तो डेफिनेटली अगर एज एन इंस्पिरेशन या एज अ कंफर्ट फैक्टर जो है महिलाओं के लिए या जो बच्चियाँ हैं उनके लिए ये काम करता है कि पुलिस अधीक्षक जो हैं वो ज़िला के महिला हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आई वेलकम दैट। बट डेफिनेटली एज SSP हम जो पद होल्ड कर रहे हैं इट इज़ फॉर everyone, महिला पुरुष जो भी हो, जो आना चाहे यहाँ पर अपनी समस्या रखना चाहे, दे आर मोस्ट वेलकम। तो हम बता दें हमारे साथ SSP गरिमा मलिक, और लगातार बता दें मिथिला मंच न्यूज ने पहले भी इनके साथ मिलकर कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे समाज में एक नया दिशा और नया एक मिशन को पूरा किया गया। इस बार भी हम लोग कार्य करेंगे ताकि हम चाहते हैं दरभंगा की एक एक जनता अपने आप को न सिर्फ सुरक्षित समझे बल्कि एक पुलिस पर विश्वास भी हो। मिथिला मंच न्यूज के साथ आपने पिछली बार काम किया था कई जगह, किस तरह? मेरा बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर दरभंगा, जो
ज़िला है, यहाँ का शहर जो है, यहाँ का समाज है, यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, यहाँ पे सभी के साथ जो है काम करके मेरा बहुत अच्छा पुराना एक्सपीरियंस रहा है। और ख़ास तौर आप लोगों के साथ पुराना जो भी हम लोगों ने सोशली पॉजिटिव वर्क किया है वो उसकी अभी भी बहुत अच्छी जो है याद मेरे साथ है। एंड आई एम श्योर कि ये सब पॉजिटिव काम जो है वो हम लोग आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू रखें। तो धन्यवाद, एक आशा की किरण जैसी जगी है, कड़ाई के साथ उचक उपद्रवियों के साथ निपटने की भी मिशन प्रारंभ होगी। आप देर रात भी सुरक्षित हैं। धन्यवाद।